गया में राज्य खाद्य निगम के प्रखंड स्तरीय गोदाम में डोर स्टेप डिलीवरी के कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही परिवहन विभाग के नियमों को ताक पर रखकर निगम ठेकेदारों द्वारा फिटनेस और प्रदूषण फेल वाहनों से खादान की ढुलाई करवा रहा है। यही नहीं, ऐसे भी कई वाहन हैं जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है, फिर उन वाहनों से काम लिया जा रहा है, जबकि ऐसे वाहनों के ठेकेदारों को डोर स्टेप डिलीवरी का ठेका नहीं दिया जाना चाहिए था। बावजूद इसके राज्य खाद्य निगम ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे वाहनों को ठेका दे दिया है। अचरज की बात तो ये है कि फिटनेस व प्रदूषण फेल का मसला किसी एक वाहन का नहीं है, बल्कि एक दर्जन से अधिक वाहन ऐसे हैं जिनके ना फिटनेस है और ना ही प्रदूषण और ना ही इंश्योरेंस है। इन सनसनीखेज मामले का खुलासा तब हुआ जब डीएम डॉक्टर त्यागराजन के आदेश पर खिजरसराय स्थित SFC गोदाम पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जांच के दौरान BDO पवन कुमार ठाकुर को देखते ही DST ठेकेदार के द्वारा लगाए गए सभी वाहन को गोदाम से आनन फानन में हटवा दिया गया। ठेकेदार के इस रवैये से जांच अधिकारी अचरज में पड़ गए। उन्होंने गोदाम से अनाज ढुलाई में लगे सभी वाहनों के दस्तावेज खंगालना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें DST ठेकेदार व निगम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए। दरअसल किसी भी विभाग द्वारा किसी भी वाहन के ठेकेदार का टेंडर तभी स्वीकृत किया जाता है जब वाहन से जुड़े सारे दस्तावेज अप टू डेट होते हैं, लेकिन इस प्रावधान का राज्य खाद्य निगम द्वारा तनिक भी पालन नहीं किया गया। इधर DM SFC प्रवीण कुमार दीपक का कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो वह मेरे कार्यकाल का नहीं है, बावजूद इसके यदि ऐसा मामला है तो मैं देख लेता हूँ। साथ ही उन्होंने इंडियन प्राइम न्यूज को यह भी कहा है कि जो वाहन मानकों के तहत नहीं है उनका डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए। इस पर उन्हें कहा गया है कि यह काम आप खुद कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।